नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत स्पष्ट विजेता है और चीन का हाल बहुत बुरा है। चीन को बार बार हराकर भारत को लगातार विक्ट्री देने वाला वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए आज के इस चार्ट और ग्राफ को देखकर आप सभी चौंकने वाले हैं। एक बार फिर से भारत ने पहला स्थान रिकॉर्ड तोड़ तरीके से हासिल कर लिया है। इस मामले में चीन दूसरे स्थान पर भी नहीं है बल्कि तीसरे स्थान पर धक्के खा रहा है। भारत के बाद जिस देश ने दूसरा स्थान पाया है वो भी भारत से काफी पीछे है। जब जब किसी मामले में भारत चीन से आगे निकलता है तो सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात होती है। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। आज हम आपको जो डाटा और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो वाकई में सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। भारत की भारी भरकम जनसंख्या अब धीरे धीरे भारत को पैसे कमा कर देने लगी है। यहीं से चीन के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। इस साल रेमिटेंस के मामले में भारत ने एक बार फिर अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। भारत की इस पोजीशन को देखकर निश्चित तौर पर चीन को जलन महसूस हो रही होगी, क्योंकि भारतीय प्रवासियों ने न केवल भारत में पैसा भेजा बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत मान सम्मान के साथ साथ शोहरत भी कमाई है। इस मामले में चीन काफी पीछे है। आपको बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस एशियाई देशों से ही आते हैं, जिसमें भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रदर्शन काफी अच्छा है, लेकिन चीन अपनी औकात के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कोरोना के बाद से एक तरफ जहां चीन पर लोग विश्वास करना कम कर चुके हैं, वहीं अब पूरी दुनिया का विश्वास भारत के लोग लगातार जीत रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोई प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। इसी मामले में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिखाया है। अब हम आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिए और गौरवान्वित महसूस कीजिए। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में रहने वाले करीब 3 करोड़ से अधिक भारतीयों ने इस साल $125 बिलियन भारत भेजे हैं। ये आंकड़ा 2022 में $111 बिलियन से 13% अधिक है। इस मामले में दूर दूर तक कोई देश भारत के आसपास भी नहीं है। मेक्सिको $67 अरब के साथ दूसरे और चीन $50 अरब के साथ तीसरे नंबर पर है। हालांकि मेक्सिको US के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए वहां के काफी लोग अमेरिका में रहकर भारी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन फिर भी भारत का कोई टक्कर नहीं है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाले देशों में भारत के बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र शामिल है। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर मौजूद मेक्सिको का ग्राफ भारत के ग्राफ से लगभग आधा है। ग्राफ के दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान लगभग अपने GDP का 35% केवल रेमिटेंस से ही पाता है। नेपाल का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सालाना करीब 25 लाख भारतीय दूसरे देशों में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका जाते हैं। अमेरिका के बाद UAE और सऊदी अरब भारतीयों का पसंदीदा ठिकाना है। ये एक बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है कि पहले ज्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज में जाकर मजदूरी किया करते थे, लेकिन अब व्हाइट कॉलर यानी कि भारत के स्किल्ड और ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका समेत दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनियों को संभाल रहे हैं। यहाँ पर भारत को अपने स्किल्ड पॉपुलेशन के कारण जबरदस्त फायदा हो रहा है। किसी देश में भारतवंशी प्रधानमंत्री है तो कहीं राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के टॉप बड़े बड़े ग्लोबल कंपनियों के CEO भारतीय मूल के लोग हैं। यहाँ से पूरी दुनिया में भारतीय फुटप्रिंट का ऐतिहासिक नजारा देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ज्यादातर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन के लिए कन्वेंशनल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन, रिया मनी ट्रांसफर, एस मनी ट्रांसफर, मनीग्राम, UAE एक्सचेंज इत्यादि। लेकिन इंटरनेट और ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण मोबाइल फोन से भी जमकर रेमिटेंस के पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में UPI ने गजब का धमाल मचाया हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों ने पहले ही UPI को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर कोई प्रवासी ब्लैक मार्केट से या फिर हवाला के माध्यम से अपने घर पैसा भेजता है तो उसे वर्ल्ड बैंक ट्रैक नहीं कर पाती। ऐसा मामला ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, जो अपनी सरकार को टैक्स देने के डर से ब्लैक मार्केट के जरिए रेमिटेंस अपने परिवार को भेजते हैं। इस मामले में चीन पीछे जा रहा है, वो अब लगातार सिकुड़ रहा है। वहीं भारत के लोग दुनिया के कोने कोने में जाकर तिरंगा का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लो और मिडिल इनकम वाले देशों के लिए 2023 में रेमिटेंस में करीब 3.8% की तेजी आई और ये $669 बिलियन तक पहुंच गया। अब स्क्रीन पर इस चार्ट में देख सकते हैं कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स US है, जिसका शेयर तकरीबन 41% है। उसके बाद सिंगापुर, सऊदी अरब, जापान, ब्रिटेन, UAE, कनाडा और कतर का नंबर आता है। आप जरा स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए,
चीन की हालत कितनी बुरी है। अगर बात ईस्ट एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की जाए तो वहां भी फिलीपींस जल्द ही चीन को पछाड़कर नंबर वन पोजीशन हासिल कर लेगा। मतलब अब चीनी मूल के लोगों का ग्लोबल प्रेजेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर उससे स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। एक तरफ भारत के लोग पूरी दुनिया में छा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन अपने काबिल लोगों को अपने ही देश में नजरबंद कर रहा है। अगर केवल साउथ एशिया की बात करें तो आप जरा स्क्रीन पर चार्ट देखिए। एक तरफ भारत का ग्राफ बुर्ज खलीफा की तरह मजबूती से खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बगल में पाकिस्तान का ग्राफ अभी धरती पर ही रेंग रहा है, जिसे जल्द ही बांग्लादेश भी पछाड़ देगा। श्रीलंका के साथ साथ नेपाल ने भी अपनी औकात के अनुसार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साउथ एशिया में रेमिटेंसेज में इस साल 7.2% की तेजी आई। अब आप जरा इस चार्ट के दाहिने साइड में देखिए, एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने नजर आएगा। आप देखकर हैरान होंगे कि नेपाल के कुल जीडीपी का 26% केवल रेमिटेंस से ही आता है, वहीं भारत के कुल जीडीपी का लगभग 3.4% रेमिटेंस से आता है। प्रवासी मजदूर या फिर प्रोफेशनल अपने मूल गांव या शहर में बसे माता पिता या रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं। विदेशों में काम करने वाले भी अपने मूल देश को पैसे भेजते हैं। वे बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजते हैं। इस तरीके से मिली राशि ही रेमिटेंस कहलाती है। उदाहरण के लिए खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में डॉक्टर और इंजीनियर की नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने माता पिता या परिवार को पैसे भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। जो देश रेमिटेंस प्राप्त करता है उसके लिए ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का जरिया होता है और वहां की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों और खाड़ी सहयोग परिषद में लचीले श्रम बाजारों ने प्रवासियों को घर पैसे भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में रेमिटेंस ने अहम भूमिका निभाई। कई देश ऐसे हैं जिनके सकल घरेलू उत्पाद में रेमिटेंस से प्राप्त राशि का योगदान अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी अधिक है। मसलन नेपाल, हैती, ताजिकिस्तान और टोंगा जैसे देश अपने जीडीपी के 1/4 के बराबर राशि रेमिटेंस के रूप में प्राप्त करते हैं। आर्मेनिया की इकोनॉमी में भी रेमिटेंस का बड़ा महत्व है। 2013 आंकड़े के अनुसार आर्मेनिया के तकरीबन 40% परिवार रेमिटेंस हासिल करते हैं। 2017 में आर्मेनिया के लगभग 60% रेमिटेंस केवल रूस से आया था। उस वक्त बताया गया कि तकरीबन 2 मिलियन आर्मेनिया नागरिक रूस में रहते हैं। ये वही देश है जिसे भारत हथियार सप्लाई करता है और उसकी जमीन पर इलीगल तरीके से अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश के तकरीबन 10 मिलियन लोग बाहर काम करते हैं, जो 2018 के बाद से ही लगातार $15 बिलियन या उससे भी ज्यादा ही पैसे अपने देश हर साल वापस भेज रहे हैं। जाइगेंटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन अर्निंग स्रोत है। बांग्लादेश में ज्यादातर रेमिटेंस गल्फ कंट्रीज से आता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में महंगाई और ग्रोथ में गिरावट के कारण प्रवासियों की इनकम में गिरावट की आशंका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2017 आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से भी $7 बिलियन के रेमिटेंस दूसरे देशों में गए थे। उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।